हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वोकैबुलरी देखेंगे, जोग्राफिया का वोकैबुलरी। इस वोकैबुलरी में हम लोग सीखेंगे कई सारे अल्फाज और इनके वर्ड वर्ड भी देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो है पेनिनसुला। पेनिनसुला कहते हैं जजीरा नुमा को। जजीरा नुमा यानी आइलैंड की तरह दिखने वाला, ठीक है। पहले पिक देख लेते हैं। यह है सऊदी अरबिया। इसका अगर शेप देखिएगा तो ये आइलैंड की तरह दिखता है। इधर वाटर है, इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर है पूरा। जजीरा किसको कहा जाता है? ये लैंड है और इधर 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 वाटर है, इसको जजीरा कहते हैं। और पेनिनसुला किसको कहते हैं? जिसका दायां तरफ, बायां तरफ और नीचे की तरफ ये वाटर हो और एक हिस्सा जो है इसका लैंड की तरफ हो, लैंड से जुड़ा हो, उसको पेनिनसुला कहते हैं। जजीरा नुमा यानी जजीरा की तरह दिखने वाला। तो नेक्स्ट वीडियो अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सब कॉन्टीनेंट। सब कॉन्टीनेंट उर्दू है इसका बर सगीर। सगीर बोलते हैं छोटे को, बर बोलते हैं लैंड को। इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है। यहाँ देखिए अलबर, दूसरा यहाँ अलबिर। अलबर कहते हैं द सॉलिड ड्राई पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ज़मीन की सतह का जो सॉलिड पार्ट होता है ना, ऊपर वाला हिस्सा, उसको कहा जाता है अलबर। या मेन लैंड, या लैंड या फील्ड, खुश्की को अलबर कहा जाता है। और इसी तरीके से अगर जेर के साथ पढ़ेंगे इसको, तो ये गुडनेस और काइंडनेस का मीनिंग निकलता है। गुडनेस और काइंडनेस का मीनिंग निकलता है। ये और दूसरा मीनिंग देखते हैं। बर्रे आज़म ज़मीन के बड़े हिस्से हैं जो सतह समुद्र से ऊपर होते हैं। मतलब बर्रे आज़म यानी बड़ा लैंड, बिग लैंड, ज़मीन के हिस्से हैं, मतलब ज़मीन का ही पार्ट है जो जो सतह समुद्र से, समुद्र का जो लेवल होता है उससे ऊपर होता है। यानी पानी कम होगा और तभी ना ज़मीन नज़र आएगी, पानी ज़्यादा होगा तो ज़मीन पानी में ही डूब जाएगी। तो सतह समुद्र से ऊपर होते हैं, ऊपर जो ज़मीन होगा उसको बर्रे आज़म कहते हैं, ठीक। ए कॉन्टीनेंट इज़ अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड। कॉन्टीनेंट जो है ये ज़मीन है और ये बहुत बड़ा ज़मीन है होगा तो उसको कॉन्टीनेंट कहेंगे। एक ये मीनिंग हो गया। दूसरा एक अजीम, एक बर्रे आज़म ज़मीन के सात अहम हिस्सों में से एक खुश्की का हिस्सा को कहते हैं। एक दूसरा ये मीनिंग हो गया। ज़मीन का एक बड़ा इलाका, ज़मीन का एक बड़ा इलाका जो आम ख्याल से समुंदर में घिरा हो बर्रे आज़म कहलाता है। दूसरा मीनिंग देखते हैं। इसको बर्रे सब कॉन्टीनेंट कहते हैं, बर्रे सगीर। तो दूसरा वर्ड के आगे बढ़ते हैं। आइलैंड यानी जजीरा। आइलैंड को उर्दू में जजीरा कहते हैं और टापू। पिक्चर देख के पहले समझ लेते हैं है क्या। ये है लैंड और इसका जो अगल बगल है यह पानी। ऐसा लैंड जो पानी से घिरा हो उसको जजीरा, आइलैंड, टापू कहते हैं। समझ में आ गया बात। अब आइलैंड का इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। आइलैंड जो है एनी एरिया ऑफ लैंड स्मॉलर देन ए कॉन्टीनेंट, एक बर्रे आज़म से छोटा होता है और इंटायरली सराउंडेड बाय वाटर।
और पूरी तरह से पानी से घिरा हो, उसको आइलैंड कहते हैं। ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, उसको भी आइलैंड कहते हैं, मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा जो पानी से घिरा हो। या एन आइलैंड इज़ अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, ये भी एक दूसरा मीनिंग हो गया आइलैंड का। अब उर्दू मीनिंग देख लेते हैं। खुश्की यानी लैंड का वो बड़ा कता यानी वो बड़ा हिस्सा जो चार तरफ से, चार तरफ से दरिया या समुद्र या के पानी से घिरा हुआ होता है उसे टापू कहते हैं। ठीक है, खुश्की का बड़ा हिस्सा जो चारों तरफ से दरिया समुद्र के पानी से घिरा हो उसे टापू कहते हैं। ये हमने देख लिया टापू किसको कहते हैं। उसके बाद नीचे पढ़ते हैं, वो ज़मीन जो समुद्र, ये वो ज़मीन जो समुद्र या दरिया के बीच इस तरह वाक़ हो कि पानी उसके चारों तरफ मुहीत हो। मुहीत कहते हैं सराउंडेड को, मतलब चारों तरफ पानी पानी हो, पानी से घिरा हो। खुश्की लैंड का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, पढ़ लिए। वो खुश्की जिसके इर्द गिर्द पानी हो, वो लैंड जिसके अगल जिसके पास पास अगल बगल में पानी हो, उसको आइलैंड कहते हैं। पानी से घिरा हुआ ज़मीन का टुकड़ा, सबसे शॉर्ट में जो डेफिनेशन है आइलैंड का वो है पानी से घिरा हुआ ज़मीन का टुकड़ा, उसको आइलैंड कहते हैं, जजीरा या टापू कहते हैं। अब देखते हैं कि ये जजीरा जो वर्ड है इसका वर्ड रूट क्या होता है, मीनिंग क्या निकलते हैं, क्योंकि जो भी वर्ड रूट होते हैं वो थ्री लेटर्स से बने होते हैं। तो देखते हैं इसका वर्ड रूट। ये रूट लेटर है जजरा, यजज़ुरू, जजरा ही मेन रूट लेटर है। इसका मीनिंग होता है टू डिक्रीज, कम हो जाना, तख़फीफ होना, घटना। दूसरा मीनिंग है टू सिंक, डूबना, घटना, कम हो जाना। ये सारे जो है वो जजरा का ही माने हैं, रूट वर्ड का मीनिंग, तो याद रखना है। टू फ्लो बैक, उल्टा बहना। टू फॉल, नीचे आना, गिरना, घटना, कम होना। टू ड्रॉप, नीचा होना, उतरना, डाल देना, गिर पड़ना। टू अबव वाटर, समुद्र की तरफ बह जाना या कम हो जाना। अब देखते हैं कुछ नाउन का। ये है नाउन जजरा जो है, ये तो वर्ब में हम लोगों ने मीनिंग देखा यहाँ, इसी का अब नाउन देखते हैं कि नाउन में क्या मीनिंग है। ठीक, नाउन में इसका मीनिंग होता है लो वाटर, जहाँ पानी कम, पानी का कम होना, या लो वाटर, पानी कम होना या कम पानी। तो जजीरा ऐसे लैंड को कहते हैं जहाँ पे पानी कम होता है ना, तो इसका नाउन में मीनिंग होता है जजरा का जजरून हो जाता और लो वाटर एक हुआ, लो टाइड माने जवार कम होता है। दूसरा है रेफ्लुएंस, रेफ्लुएंस जो है, रेफ्लुएंस कहते हैं पानी का उतरना। दूसरा है इंसुलर, इंसुलर, इंसुलर मिसल जजीरा, मतलब जजीरे की तरह या पानी से घिरा हुआ। अब हम लोग जजीरा माने क्या पढ़े थे कि ऐसा लैंड जो पानी से घिरा हुआ हो चारों तरफ से,
और इंसुलर का मीनिंग क्या है? पानी से घिरा हुआ। इंसुलर जो है ये जजरा का ही इसम है, मतलब नाउन। अगर जजरा को नाउन में पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इंसुलर, पानी से घिरा हुआ। तो वर्ड रूट भी हमको याद करते चलना है कि वो जजीरा जो है उसका वर्ड रूट क्या है, और वो जजीरा अल्फाज जो है वो बना किस लेटर से है। तो हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग देखें पहले, फिर उसके नाउन देखें, उसके बाद अब हम लोग इस जजरा का उर्दू मीनिंग देखते हैं। ठीक है, उर्दू मीनिंग। तो जजरा का उर्दू मीनिंग क्या हो जाता है? उतार चढ़ाव। जजरा माने उतार चढ़ाव। दूसरा, समुद्र का पानी का उतार। तीसरा, समुद्र या दरिया का पीछे हटना या उतर जाना। चौथा, समुद्र का मद ख़त्म होकर जजर होना। मद ख़त्म होना, मद बोलते हैं खिंचाव को, ठीक है, और जजर बोलते हैं सुकराव को, सुकड़ जाना। तो पानी जो है वो फैलता है, फैलने को ही खिंचाव कहा गया मद, और सुकुड़ जाना माने पानी कम हो जाना। आगे बढ़ते हैं। पानी का खुश्क हो जाना या पीछे हट जाना, ये किसका मीनिंग है? जजरा का। समुद्र या दरिया का पानी उतर जाना या पीछे हट जाना, ये मीनिंग है जजरा का। वो ज़मीनें जहाँ से पानी हट जाता हो। जजीरा के बारे में क्या पढ़े थे कि वहाँ पे पानी कम होती है और ज़मीन नज़र आती है। तो वो ज़मीनें जहाँ पानी हट जाता हो उसको जजीरा कहते हैं, या जजरा का ये मीनिंग निकलता है। तो कोई भी वर्ड जो है उसका, उस इंग्लिश वर्ड का उर्दू देखना है और उस उर्दू वर्ड को अच्छे से समझना है कि उसका मीनिंग क्या होता है वर्ड रूट के ज़रिए। क्योंकि किसी का नाम रखा जाता है तो उसमें कुछ खासियत होती है तो ही नाम रखा जाता है उसका, मतलब उसमें उस चीज़ का डेफिनेशन उसके वर्ड रूट में या मीनिंग में छुपी होती है। तो अगर वर्ड रूट जान लेने से हम कभी उस वर्ड को भूलेंगे नहीं, या उसका कभी डेफिनेशन हमको भूलेंगे नहीं डेफिनेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा वर्ड पे। दूसरा वर्ड हमारा है गल्फ। गल्फ़ कहते हैं खारी को। खारी, खलीज, शगाफ, ज़मीन की सतह में एक गहरी दरार। ज़मीन की सतह में एक गहरी दरार, खारी हो गया, खलीज हो गया, शगाफ हो गया। शगाफ कहते हैं दीवार, देखे होंगे दीवार अगर क्रैक हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी जगह बन जाती है, उसको शगाफ कहते हैं। ठीक है, और ज़मीन की सतह में एक गहरी दरार, वही दरार, वही प्रोसेस जो है दीवार पे जो हुआ दरार होकर के, वही अगर ज़मीन में हो जाती है तो देखोगे ज़मीन आधा आधा बढ़ जाती है, अब बीच में जगह हो जाता है। तो उसी को ज़मीन की सतह में, मतलब ज़मीन का सरफेस में एक गहरी दरार को कहते हैं खलीज। दूसरा मीनिंग है द गल्फ मीन्स ए ह्यूज डीप सी कैनल, मतलब पिक देख के समझते हैं, ये है कैनल, नहर, पानी यहाँ से यहाँ जा रहा, पैरेलल, मतलब ये एक रास्ते की तरह है ना। तो खलीज भी एक रास्ते की तरह होती है। खलीज क्या है उसको भी वीडियो में देख लेते हैं, पिक में देख लेते हैं। ये जो है यहाँ से यहाँ तक, अब बीच में जो वाटर है इसी को खलीज कहते हैं। खलीज क्या है? गड्ढा। और उस गड्ढा में क्या है? समुद्र से पानी आके भर गया। इसको खलीज कहते हैं। तो आते हैं पिछले टॉपिक पे आते हैं। गल्फ मीन्स ए ह्यूज, एक बहुत बड़ा गहरा समुद्री नहर को कहते हैं खलीज या गल्फ। अब जो खलीज जो है
इसका वर्ड रूट देखते हैं। इसका खे लाम ये जीम है तो इसका वर्ड रूट है खे लाम जीम, खलजा या खलीजा या खलुजा। ऐसे बुनियादी तौर पे जो बेसिक तौर पे है वो खलजा है। ज़बर ज़ेर से मीनिंग चेंज हो जाती है बस और कुछ नहीं, लेकिन इसका खलजा ही इसका वर्ड रूट है। तो खलजा का मीनिंग क्या है? ले जाना, टू टेक अवे, दूर ले जाना। मतलब अगर आप फिक्स फिर से सुनिए, मगर अगर आप यहाँ से पानी में अगर बैठ कर के अगर जाओगे, पानी का रास्ता जहाँ निकल रहा है, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? समुद्र में पहुँच जाओगे। तो ये एक रास्ते की तरह है ना, तो खलीज एक स्ट्रेट रास्ते की तरह ही शेप को कहते हैं जो गहरा हो। तो ये ले जाने का भी काम करता है, और जितने भी पोर्ट्स का काम होता है ट्रांसपोर्ट का, वो इसी के किनारे भी होता है। तो खलीज इसको कहते हैं। तो ले जाना, ए पार्ट ऑफ एन ओशियन, ए पार्ट ऑफ एन ओशियन और सी, एक्सटेंडिंग इनटू द लैंड, एक समुद्र या दरिया का हिस्सा जो ज़मीन में जो ज़मीन के अंदर फैल जाता हो। अब यहाँ आप वीडियो में पिक में देखो कि ये जो समुद्र है ना, और ये समुद्र का हिस्सा जो है वो ज़मीन को काटते हुए अंदर तक फैल गया, वही यहाँ बात कही जा रही है। इस कॉल्ड गल्फ, उसको गल्फ कहा जाता है या खलीज कहा जाता है या खारी कहा जाता है, ठीक। टू पुट इन मोशन, अच्छा खलजा का मीनिंग जो है वो हरकत देना भी है, टू टेक अवे भी है। एक कैनल, एक नहर को भी कहते हैं। अब नहर क्या चीज़ है, यहाँ पे हम मेरे वीडियो में देखे थे, ये देखिए पिक में कॉर्नर में, यहाँ से वो नहर एक स्ट्रेट जो पैरेलल लाइन हो और उसके बीच से पानी पास हो, एक एयर वाटर वे है, पानी का रास्ता है। उसी तरीके से खलीज भी इसी तरीके से शेप में दिखता है, कैनल की तरह। तो कैनल भी है। एक पार्शियली लॉक लैंड लॉक्ड सी, मतलब एक जुज़वी तौर पर सी है, समुद्र है, लैंड लॉक्ड ज़मीन से घिरा हुआ। ये रहा हम लोग का ज़मीन, इधर भी ज़मीन, अब बीच में क्या है, ये सी है, बीच में ये सी है, और सी जो है वो किससे घिरा हुआ, और इधर भी लैंड है। तो तीन तरफ से लैंड से घिरा हुआ और एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ। तो ऐसा समुद्र जो ज़मीन से घिरा हुआ हो उसको भी खलीज कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हिलना डोलना लैंड खुश्की, ये सब मीनिंग है, देख लो ठीक है। आते हैं कुछ डेफिनेशन पे। खलीज कहते हैं किसको? जुग्राफिया, वो कतायाब यानी वो पानी का टुकड़ा जो तीन तरफ से खुश्की से घिरा हो और एक तरफ समुद्र से मिला हो, उसको खलीज कहते हैं। ऊपर में बोले ना कि तीन तरफ जो है खुश्की है, इधर भी लैंड है, ऊपर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, तीनों तरफ लैंड है, अब यानी खुश्की है, और एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ, उसको भी खलीज कहते हैं। आगे देखते हैं, खलीज समुद्र से निकलने वाला एक बड़ा रास्ता है। खलीज समुद्र से निकलने वाला एक बड़ा रास्ता है, मतलब समुद्र से निकल करके वो रास्ता खुशी की तरफ जा रहा है। उसके बाद देखते हैं, दरिया की एक शाख जो तीन तरफ खुशकी से मुहित और एक तरफ समुद्र से मिली हो, मतलब दरिया की एक शाख है, शाख कैसे डाली की तरह होती है ना, तो खलीज भी आप देखोगे अगर एरियल व्यू में देखे ऊपर से तो एक कैनल की तरह दिखता है, और कैनल और डाली दोनों पतले होते हैं, लंबे होते हैं, तो एक शाख कहा गया है।
दरिया की एक शाख है जो तीन तरफ खुश्की से जो तीन तरफ से लैंड से घिरा हो, मुहित यानी सराउंड हो, ठीक है, सराउंडेड हो, घिरा हो, और एक तरफ समुद्र से मिली हो, और एक उसका जो माउथ होगा या कॉर्नर होगा वो समुद्र से जा कर के मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एक जुज़वी तौर पर ज़मीन से घिरा हुआ समुद्र, ये तो बता दिए। आगे देखते हैं, समुद्र का वो हिस्सा जो खुश्की में दूर तक चला गया हो, समुद्र का वो हिस्सा जो खुश्की में दूर तक चला गया हो। ऊपर वीडियो पिक में देखते हैं, यह समुद्र का एक हिस्सा जो खुश्की में दूर तक चला हो, जो लैंड में अंदर तक चला गया हो, उसको खलीज कहते हैं। समुद्र का दूसरा क्या है, दूसरा यह पानी का वो हिस्सा जो तीन तरफ खुश्की से घिरा हो और एक तरफ समुद्र से मिला हो। एक ही बात कही जा रही है, अलग अलग अंदाज़ में कहा जा रहा है, आपको जो अंदाज़ ठीक लगे वो अंदाज़ आप याद कर लीजिए। और वर्ड रूट देखने से आदमी जल्दी भूलता नहीं है, तो इसका वर्ड रूट भी याद कर लीजिए। वर्ड रूट है इसका खलजा। अब चलते हैं इधर में, गहरी खाई, बेअंदाज़ा गहराई, यानी खलीज का मीनिंग होता है गहरी खाई या बेअंदाज़ा गहराई, मतलब इतनी गहराई है कि उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आगे बढ़ते हैं, छोटी नहर जो बड़े दरिया से काट कर निकाली जाए, छोटी नहर है जो बड़े दरिया से काट, ये एक मीनिंग दिया गया भी है। आगे बढ़ते हैं, खलीज का मतलब है एक बहुत बड़ा गहरा समुद्री नहर, मतलब ये नेचुरल कैनल, ठीक है, फितरी तो कुदरती नहर है ये, समुद्री नहर या कुदरती नहर, मतलब कुदरत ने इस नहर को बनाया है, उसी से हम लोग ने सीख सक करके वो दूसरा वाटरवेज तैयार किए हैं ये कैनल बनाने का, और उससे फिर पानी पहुंचते हैं, खेती बाड़ी होती है, इरिगेशन होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यह पढ़ते हैं, खलीज का मतलब पानी का एक जिस्म है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ज़मीन से घिरा होता है, मतलब खलीज यानी एक पानी का एक जिस्म है, मतलब एक पानी का जिस्म है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ज़मीन से घिरा होता है, ये गहरे और बड़े आबी ज़खायर है, मतलब बहुत गहरा होता है और इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, जो अक्सर बंदरगाहों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जो अक्सर यहाँ पे सामान को एक जगह से दूसरी कंट्री ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया हम लोग का खलीज का मीनिंग, इसमें से जो मीनिंग आपको ठीक लगे आप उसको याद कर लेना, और जिस मीनिंग आपको इजी लग रहा है उसको आप याद कर लो, और वर्ड रूट भी याद कर लेना ताकि हम ये मीनिंग भूले ना। तो गल्फ, खलीज, खाड़ी, एक कैनल को कहते हैं, समुद्री कैनल को कहते हैं, ठीक। तो और भी वीडियो है, और भी है मीनिंग, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।